अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मटन कीमा और बैंगन आलू की रेसिपी। ये बहुत टेस्टी और बहुत आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक भी कर दें और शेयर भी करें। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। सबसे पहले ले लिया मैंने एक कढ़ाई, उसे मैंने गरम कर लिया है और उसमें मैं डालूँगी एक चम्मच तेल। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच तेल ले लिया है और यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट कर लिया है इस तरीके से, और इसे मैं ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। हमें प्याज को पूरा फ्राई कर लेना है अच्छे से, और प्याज को बीच बीच में चलाते रहे ताकि हमारी प्याज जो है वो जले ना। तो ये देखिए हमारी प्याज जो है वो हो चुकी है और इसमें बहुत अच्छा कलर आ चुका है। तो चलिए हम प्याज में अब और मसालों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर मैं भून लूँगी ताकि इसका जो कच्चापन वो निकल जाए। तो चलिए अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर एक चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हाफ टी स्पून मैंने लिया है यहाँ पे गरम मसाला। और हमें अच्छे से इस मसालों को मिक्स कर लेना है और मैंने आधा कप के करीब मैंने पानी डाल के थोड़ी देर मसालों को भून लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही पानी डाला है जिससे हमारा मसाला जो है वो अच्छे से कुक हो जाए और इससे कच्चेपन की महक जो वो आ रही है वो निकल जाएगी। तो चलिए मसालों को मैं भून लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई रखा है, मैंने स्लो नहीं किया है ताकि हमारे मसाले जो है वो जल्दी से कुक हो जाए। तो ये देखिए इसमें जो है वो तेल ऊपर से आने लगा है, इसका मतलब हमारा मसाला जो है वो कुक होने लगा है और इसमें से महक बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू। तो चलिए ये हमारे मसाले जो है वो रेडी हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मटन कीमा। तो मटन कीमा मैंने लिया है 200 ग्राम। तो चलिए इसमें मैं ऐड कर दूँगी और कीमे को मैं मसालों में अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर कीमा को भी भून लूँगी। इस तरीके से हमें कीमे को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं इसे 5 मिनट पकने दूंगी। तो चलिए हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद जब ये इसमें ये पकने लगेगा हमारा कीमा जो है तब इसे मैं ढक दूंगी। तो चलिए अब मैं इसे ढक दूंगी, इसमें अच्छे से उबाल आने लगा है। तो अब हमें ढक के थोड़ी देर पका लेना है, कम से कम हमें 5 मिनट धीमी आंच पे पका लेना है ताकि हमारा कीमा जो है वो अच्छे से पक जाए। तो चलिए 5 मिनट हो चुका है, तो चलिए इसे मैं खोल के थोड़ा देर पका लूँ देख लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा कीमा जो है वो बहुत अच्छा रेडी हो गया है और इसके ऊपर देखिए अब तेल भी आ चुका है, इसका मतलब हमारा कीमा जो है वो पूरी तरह से पक चुका है। तो चलिए इसमें मैं अब 3 हरी मिर्च बीच से कट करके मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से चला लेना है हमें। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी बैंगन। बैंगन को इस तरीके से मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने 2 बैंगन लिए हैं, एक बड़ा साइज़ का आलू मैंने लिया है और इसे इस तरीके से मैंने कट कर लिया है छोटे पीसेज में।
तो चलिए अब सभी चीज़ों को मैगी में मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी आधा कप के करीब मैं पानी डाल दूँगी इसमें, ताकि हमारा आलू और जो बैंगन है वो अच्छे से गल जाए। तो चलिए इसे मैं ढक के पका लूँगी। तो यहाँ पे मैं जब तक ये पकने ना लगे तब तक मैं हाई फ्लेम रखूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने फ्लेम को धीरा कर दिया है क्योंकि इसमें जो है उबाल आने लगे हैं। तो चलिए बीच बीच में हमें चला लेना है ताकि हमारी सब्ज़ी जो है वो जले ना, जब तक हमारा आलू ना गल जाए और पानी इसका जो है वो सूख ना जाए तब तक हमें पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं, हमें 2 से 3 मिनट पकाना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आलू को चेक करती हूँ। ये देखिए हमारा आलू बहुत अच्छा गल चुका है और हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी रेडी है और इसमें हमें पानी भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखो आप, इसका पानी जो है वो सब सूख चुका है और ये देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी हुई है। तो चलिए अब मैं डाल दूँगी इसमें हरी धनिया की पत्ती। तो इसको मैंने कट करके रखा हुआ था। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट करना, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।